हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम किसी भी ओकेजन में बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाता है और सबको पसंद भी आता है। इसको बनाने के लिए मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू और बादाम, इलायची, किशमिश और पिस्ता। इसको बारीक काट लिया है और 1 लीटर दूध लिया है मैंने और आधा कप चावल लिया है और उसको धुल कर भिगो दिया है। और दूध में से मैंने 1 कप दूध निकाल के रखा हुआ है। दूध को पहले बॉयल होने देंगे, फिर इसमें चावल डाल देंगे और चावल को भी पक जाने देंगे अच्छी तरह से। कम से कम 20 मिनट लग जाता है चावल को अच्छी तरह से पक जाने में। और चावल को अच्छी तरह से पक जाने देंगे, उसमें कोई भी कच्चा नहीं होना चाहिए, तभी हम इसमें चीनी मिलाते हैं। पहले से चीनी मिलाने से बहुत देर में बनता है। और ये हमारा चावल अब गल गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे कोई भारी सी चीज़ से, थोड़ा चम्मच भारी हो, या हम दाल से या कोई भी ऐसे मैशर से उसको मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको मैश कर लेना है। अब हमने इसको मैश कर लिया है। अब इसमें मैंने ले लिया आधा कप चीनी, और चीनी को हम बाद में भी डाल सकते हैं टेस्ट करके। अगर ज़्यादा मीठा खाना हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। और 2 चम्मच मुझे इसमें से यूज करना है मिल्क पाउडर। अगर इसको नहीं डालना हो तो कोई बात नहीं है, आप इसी इसके बिना भी बना सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दे रही हूँ। और मिल्क पाउडर को मैंने 1 कप पानी में घोल लिया है। और अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर से मैं गैस ऑन करूंगी। और 1 कप दूध भी डाल दिया था जो मैंने रखा था दूध, और उसको 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक गैस का फ्लेम कम करके और खीर को अच्छी तरह से बना लेंगे। और तभी ये अच्छा और टेस्टी बनेगा, जल्दी से नहीं बनेगा और ये टेस्टी भी बनेगा और थोड़ा इसमें रिचनेस भी आ जाएगी। और धीरे धीरे इसको गैस का फ्लेम कम करके पका लेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है सेफ्रॉन और आधा चम्मच मैंने कूट के इलायची डाल दिया है। कुछ बूंद इसमें केवड़ा का भी डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और ठीक होने तक पका लेंगे। और अपने गैस बंद कर दिया है मैंने, और ये हमारा खीर रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। और बहुत ही टेस्टी शाही खीर, रबड़ी जैसा खीर हमारा तैयार हुआ है और बहुत जल्दी से बन जाने वाला, आसानी से और सबको पसंद आने वाली ये डिश सबको बहुत ही पसंद आएगी। और हमने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया है, और इसको मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि पहले से भी डाला हुआ है इसमें। और इसको आप ज़रूर बनाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।